कोरोना संक्रमित मरीज उज्जैन में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। रविवार को आठवां पॉजिटिव केस सामने आया है। दो दिन पहले जिस महिला की आरडी गार्डी अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस में मौत हुई थी, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके सहित कोरोना पॉजिटिव मृतकों की संख्या अब तीन हो गई है। तीन पॉजिटिव मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। लगातार बढ़ते मरीजों को देखते हुए इंदौर की तरह उज्जैन शहर में भी प्रशासन ने टोटल लॉकडाउन कर दिया है। दरअसल उज्जैन के दानी गेट निवासी 55 वर्षीय महिला लक्ष्मीबाई को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिसके लिए उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक महिला का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद पुलिस ने दानी गेट इलाके को सील कर दिया है। साथ ही महिला के संपर्क में आने वाले सभी लोगों से अपने अपने स्वास्थ्य की जांच कराने की अपील की जा रही है। वहीं महिला के परिजनों को भी स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रखा गया है। खबर मध्य प्रदेश के लिए उज्जैन से मुरली मनोहर जोशी की रिपोर्ट।